मेरे जिगर के टुकड़ों, आज की कहानी में पेल के मार धार और खून खराबा है। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी की शुरुआत में एक लुल फैमिली को देखते हैं, जिनमें एक मदर, उसके तीन बेटे और उनके दादा भी होते हैं। वहीं आज इनके सबसे छोटे बेटे जेट का बर्थडे होता है। यहीं पर इन लोगों ने एक आदमी को कुर्सी से बांध रखा था, जो इनके पिग यानी सुअर की चोरी करने आया था। और फिर जेट की माँ वरना अपने बेटे को एक चेनसॉ गिफ्ट करती है। आगे वरना जेट से उस चेनसॉ की मदद से उस बलि के बकरे को मारने के लिए कहती है। तभी जेट का भाई चेनसॉ को स्टार्ट कर देता है और जेट से उस आदमी को मारने के लिए कहता है। लेकिन जेट अभी एक छोटा बच्चा था, जिसकी नुनू में इतना दम नहीं था, इसलिए जेट उसे मार नहीं पाता है। तभी जेट के ग्रैंडपा एक हथौड़े से उस आदमी को मार देते हैं। आगे इसके बाद हम एक कपल बैटी और टेड को देखते हैं, जो अपनी कार में चुम्मा चाटी करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक पिग आ जाता है, लेकिन टेड किसी तरह उस पिग को बचा लेता है। वहीं जब बैटी गाड़ी से बाहर आकर देखती है तो उसकी फट जाती है, क्योंकि वो कोई पिग नहीं बल्कि एक बच्चा पिग मास्क लगाए हुए होता है। वो बच्चा बैटी से मदद मांगता है और वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। आगे फिर बैटी भी उसकी मदद के लिए लड़के के पीछे पीछे भागती है। वहीं टेड के रोकने पर भी बैटी शुतुरमुर्ग की तरह जंगल की तरफ भाग जाती है। वहीं बैटी जब लड़के के पीछे पीछे जाती है तो उसे वहाँ पर एक पुराना घर दिखाई देता है। अब बैटी घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे वही छोटा लड़का दिखाई देता है। फिर अचानक बैटी एक ट्रैप में फंसकर एक गड्ढे में गिर जाती है। अब बैटी बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। इसके बाद हमें मालूम होता है कि वो लड़का बहन का टका जेड है, जो अपने बाप और भाई के साथ मिलकर ये सब कर रहा था। अब ये लोग बैटी के ऊपर एक गाड़ी का बड़ा सा इंजन गिराकर उसे मार डालते हैं। दरअसल यहाँ जेड के फादर उसे लोगों को मारने की ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाकर मारना है। वहीं कुछ ही देर बाद यहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है और टेड भी बैटी के पीछे पीछे यहाँ आ जाता है। लेकिन टेड के यहाँ पहुँचने से पहले ही बैटी का गेम बच गया था। आगे बैटी के फादर हार्डमैन भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। वही हार्डमैन को अपनी बेटी के मरने का बहुत दुख हो रहा था, पर ग्रेटन के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन हार्डमैन ग्रेटन से बदला लेने के लिए उसके बेटे जेट को अपने साथ ले जाता है। फिर हार्डमैन जाता है जेट की माँ वरना के पास और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा कभी नहीं वापस करूँगा। और इतना कहकर हार्डमैन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं 10 साल गुजर जाते हैं और हमें वही स्कूल दिखाया जाता है जहाँ हार्डमैन ने जेट को भर्ती करवाया था। वहाँ पर हम एक नर्स को देखते हैं जिसका नाम लिली होता है। लिली का इस स्कूल में पहला दिन था, इसलिए उसे बुड्ढा डॉक्टर बताता है कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो सभी क्रिमिनल फैमिली से हैं, इसलिए यहाँ के सभी बच्चों के नाम आते ही बदल दिए जाते हैं ताकि इन्हें कुछ भी याद न रहे। और डॉक्टर लिली को भी अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और फिर चला जाता है। तभी लिली एक लड़के बट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बट लिली की किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देता है। तभी एक लड़का जैक्सन लिली को बताता है कि ये किसी से बात नहीं करता है और हमेशा शांति रहता है। यहाँ पर माइक नाम का एक लड़का दूसरे बच्चों के साथ मारपीट कर रहा था। वहीं जब लिली उसे रोकने जाती है तो माइक लिली को ही पकड़कर चिपकने लगता है। तभी वड वहाँ आकर उसे बचा लेता है। वहीं लिली जब बाथरूम में जाती है तो लिली देखती है क्लेरिस नाम की लड़की एक दूसरी लड़की को जबरदस्ती एक चूहे को खिला रही थी। और जैसे ही लिली उसके पास जाती है तो क्लेरिस उसे छोड़ देती है। आगे एक डॉक्टर लिली से माइक और बट के झगड़े के बारे में पूछता है, लेकिन लिली कहती है इसमें बट की कोई गलती नहीं है, बट तो मेरी मदद कर रहा था। लेकिन डॉक्टर कहता है इस वक्त बट को थेरेपी की जरूरत है। अब जैसे ही डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो वहाँ बट का दोस्त जैक्सन आता है, जो लिली से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये थेरेपी के नाम पर हम लोगों को टॉर्चर करते हैं और आज भी बिना वजह बट को टॉर्चर करेंगे, और अगर तुम चाहो तो आज रात अपनी आँखों से देख सकती हो और हो सके तो हमारी मदद कर देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेट की माँ वरना जेट से मिलने के लिए यहाँ आती है, जो अब बहुत अमीर हो गई थी, और अब वरना के पास कोर्ट की इजाजत भी थी कि वो कभी भी जेट से मिल सकती हैं। वहीं वरना जब डॉक्टर से कहती है कि मुझे अपने बेटे जेट से मिलना है तो डॉक्टर कहता है कि यहाँ जैसे ही बच्चों को लाया जाता है तो उनका नाम चेंज कर दिया जाता है और हम किसी जेट को नहीं जानते। अब ये सुनकर वरना को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि आज वो अपने बेटे जेट से जरूर मिलेगी। फिर वरना यहाँ से उठकर बाथरूम चली जाती है। इधर लिली देखना चाहती थी कि क्या सच में डॉक्टर बच्चों को टॉर्चर करता है, इसलिए लिली चुपके से वहाँ जाती
जाती है। तभी लिली देखती है कि डॉक्टर वर्ड को हाई वोल्टेज शॉक दे रहा था। ये देखकर लिली भी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ वर्णा बाथरूम से निकलकर एक नर्स को मार मार के उसका भर्ता बना देती है और वहाँ की चाबी चुरा लेती है और सभी बच्चों को आजाद कर देती है, जिसकी वजह से सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं और सिक्योरिटी अलार्म भी बजने लगता है। तभी डॉक्टर हालात के बारे में पता लगाने के लिए बाहर जाता है। वहीं बट खुद को आजाद कर लेता है और वहाँ के दोनों गार्ड्स को मार मार के बेहोश कर देता है। अब वर्णा को भी गार्ड्स पकड़ लेते हैं, लेकिन डॉक्टर वर्णा को छोड़ देता है। वहीं माइक भी बट से मदद मांगता है तो बट माइक को आजाद कर देता है। और अब यहाँ जितने भी पेशेंट बच्चे थे वो सब आजाद हो चुके थे और उन बच्चों के सामने जो भी आ रहा था वो उन्हें मार मार के आगे बढ़ रहे थे। वहीं जब डॉक्टर अपने ऑफिस में जाता है तो उसके पीछे पीछे बट भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर बट डॉक्टर का सिर खिड़की में पटक पटक कर मार देता है। अब लिली भी वहाँ के हालात देख कर काफी डर चुकी थी, तो लिली एक और नर्स के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ एक पेशेंट उस नर्स का गला काट कर बुरी तरह से उसे मार देता है। और वो पेशेंट जैसे ही लिली को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी जैक्सन आकर उस पेशेंट का भर्ता बना देता है। अब उस पेशेंट को मारने के बाद जैक्सन लिली को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी एक कार को लेकर माइक और क्लेरिस भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो दोनों को पकड़ के गाड़ी में डाल लेते हैं। तभी रास्ते में माइक को बट मिल जाता है, क्योंकि बट ने माइक की मदद करी थी, इसलिए माइक बट को भी गाड़ी में बैठा लेता है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ये एक जगह पर रुकते हैं। माइक कहता है कि अब हम मेक्सिको जाने वाले हैं, जहाँ मेरी फैमिली रहती है। लेकिन बट और जैक्सन को अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो माइक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी लोग अपने कपड़े बदल रहे होते हैं। तभी लिली मौका देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्लैरिस उसे पकड़ लेती है और फिर लिली को भी साथ ले जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हार्डमैन को भी पता चल जाता है कि उस स्कूल से तीन बच्चे भाग चुके हैं। तभी हार्डमैन अपनी पूरी पुलिस फोर्स उनके पीछे लगा देता है और देखते ही गोली मारने का ऑर्डर देता है। ये बात वर्णा को भी पता चल जाती है। अब हम देखते हैं कि ये पांचों बच्चे चलते चलते एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहीं माइक रेस्टोरेंट से खाना, पैसा और कार लूटने का प्लान बनाता है। इसके बाद बट बाहर ही इंतजार करता है और वो चारों दो कपल बनकर अंदर जाते हैं। वहीं रेस्टोरेंट में जब चारों बैठे होते हैं तभी क्लैरिस उनके पीछे बैठे आदमी की गन देख लेती है और क्लैरिस और माइक गन लेने के लिए प्लान बनाते हैं। अब क्लैरिस जानबूझकर एक ग्लास नीचे गिरा देती है और जैसे ही वेटर वहां आती है तो माइक उस पर अटैक कर देता है और क्लैरिस अपने पीछे वाले आदमी को मारकर उसकी गन छीन लेती है। अब तो सबके लौंडे लगेंगे, क्योंकि अब जो भी क्लैरिस के सामने आता वो उसे गोली मारने लगती। अब माइक भी एक शॉट गन लेकर वहाँ पर आए हुए सभी लोगों को लूटने लगता है और फिर माइक उस वेटर की भी खोपड़ी खोलकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ लिली वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर बड़ उसे पकड़ लेता है। और जब ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं तभी रेस्टोरेंट के अंदर से एक आदमी बट को गोली मार देता है। इसके बाद ये सभी जल्दी से एक कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर रास्ते में इनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो सब एक जंगल में रुक जाते हैं। तभी जंगल के बीच में इन्हें एक ट्रेलर मिलता है। वहीं जब ये ट्रेलर को चेक करते हैं तो उसके अंदर एक डेड बॉडी मिलती है। अब यहाँ इन्हें रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है। फिर लिली बट का जख्म ठीक करती है। तभी माइक बट को बाहर पहरा देने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही सब सो जाते हैं तभी लिली मौका देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उसे देख लेता है, लिली को पकड़ लेता है। माइक लिली के साथ जबरदस्ती घपाघप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक्सन आकर उसे मारने लगता है। जैक्सन लिली को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, पर तभी क्लैरिस गन लेकर वहाँ आ जाती है, क्योंकि बट बाहर पहरा दे रहा था तब भी लिली वहाँ से भाग निकलती है। अब माइक बट को उल्टा सीधा बोलता है। वहीं क्लैरिस जैक्सन और लिली को लेकर ट्रेलर में चली जाती है। अब बट को माइक पर बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी बट माइक के सर पर गोली मार कर उसे बेहोश कर देता है और फिर माइक को घसीटता हुआ एक पत्थर पर ले जाता है, जहाँ बट माइक का सर कुचल कर उसे मार देता है। अगली सुबह क्लैरिस माइक को वहाँ ना देख कर परेशान हो जाती है, तो क्लैरिस माइक को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। अब वहाँ बट भी नहीं था तो लिली और जैक्सन के पास वहाँ से भागने के लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन जैक्सन बट का
अच्छा दोस्त था, इसलिए वो बट को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वहीं कुछ देर ढूंढने के बाद जैक्सन को बट मिल जाता है जो माइक की डेड बॉडी के पास सो रहा था। अब जैक्सन बट को साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ क्लैरिस को भी पुलिस पकड़ लेती है, जहाँ हार्डमैन क्लैरिस को बहुत मारता है और पूछता है कि बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ है। तो क्लैरिस कहती है मुझे खुद नहीं पता और तुम पागल हो गए हो क्योंकि तुम्हारी बेटी जो मर चुकी है। तभी हार्डमैन को बहुत गुस्सा आता है और हार्डमैन क्लैरिस के सर में गोली मारकर उसे मार देता है। इसके बाद सभी पुलिस वाले ट्रेलर पर गोली चलाने लगते हैं। ये देखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और फिर एक पुलिस ऑफिसर ट्रेलर के अंदर चेक करता है तो उसे वहाँ एक डेड बॉडी के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब हार्डमैन इनको ढूंढने के लिए उनके पीछे अपने कुत्ते लगा देता है। वहीं इन तीनों को कुछ दूर आगे जाने पर एक मरी हुई गाय मिलती है और फिर ये तीनों गाय के अंदर छिप जाते हैं ताकि इन्हें पुलिस के कुत्ते सूंघ नहीं पाए। और जब कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं तब वो तीनों बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लिली की नजर सड़क पर जा रही एक पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है और फिर लिली उससे मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगती है। वहीं जैक्सन लिली को रोकता है लेकिन तब तक वो पुलिस वाला लिली की आवाज सुन लेता है और फिर अपने और पुलिस ऑफिसर्स को बुलाने लगता है। तभी बर्ड उस पुलिस वाले को रोकने के लिए उसके पास जाता है तो वो पुलिस ऑफिसर बर्ड पर गोली चलाने लगता है लेकिन फिर भी बर्ड पुलिस वाले का गला दबाने लगता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर बर्ड की खोपड़ी में गोली मारकर उसका भेजा फ्राई कर देता है। अब बर्ड वहीं निपट जाता है। इसके बाद जैक्सन उस पुलिस वाले पर हमला कर देता है और फिर उसे मारकर उसका कीमा बना देता है। तभी लिली कार को स्टार्ट करती है और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब जैक्सन बर्ड की मौत की वजह से बहुत बुरी तरह पागल हो रहा था। वो लिली से कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त की मौत हो गई है। तभी इनके पीछे हार्डमैन पड़ जाता है, वो इनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है और तभी एक गोली जैक्सन के फेस पर लगती है जिससे उसकी शक्ल बिगड़ जाती है और एक गोली लिली के हाथ पर लगती है और उनकी गाड़ी का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब लिली को होश आता है तो वो खुद को हार्डमैन की कार में लॉक पाती है लेकिन वहाँ हार्डमैन नहीं होता। तभी एक पुलिस ऑफिसर हार्डमैन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। वही लिली उस पुलिस ऑफिसर की आवाज सुन लेती है और उसे सब कुछ बता देती है लेकिन तभी यहाँ हार्डमैन आ जाता है जो लिली को एक पुराने घर में ले जाता है। ये वही घर था जहाँ पर 10 साल पहले जेड और उसकी फैमिली ने हार्डमैन की बेटी को मारा था। हार्डमैन ने यहाँ जैक्सन को भी लटकाया था। वहीं हार्डमैन लिली को बताता है कि ये जैक्सन नहीं जेड है, इसने मेरी बेटी को मारा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्णा ने जिस आदमी को अपना जासूस बनाया था वो एक पुलिस ऑफिसर था जो वर्णा को सब कुछ बताता है कि हार्डमैन ने अपने बेटे को उस पुराने घर में पकड़ रखा है। तभी ग्रेटन उस पुलिस ऑफिसर को मारकर उसकी बॉडी को अपने पिक के सामने डाल देता है। अब जेड की पूरी फैमिली उसे बचाने के लिए जाती है। वहीं जैसे ही वर्णा उस घर में पहुंचती है तो हार्डमैन जेड को उसी गड्ढे में गिरा देता है जिसमें उसकी बेटी गिरी थी। इसके बाद हार्डमैन वर्णा की तरफ गन तान देता है। तभी पीछे से ग्रेटन हार्डमैन को मारकर बेहोश कर देता है जिसके बाद वर्णा जेड को लेकर अपने घर जाती है और जेड के फटे हुए चेहरे पर टांके लगा देती है और उसके फेस पर एक मास्क भी लगा देती है। वहीं वो लोग हार्डमैन और लिली को भी अपने साथ ले आए थे। तभी लिली खुद को आजाद कर लेती है और हार्डमैन को भी आजाद कर देती है। इसके बाद दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वर्णा उन्हें पकड़ लेती है। इसके बाद वर्णा जेड को बुलाती है और उसे हार्डमैन को मारने के लिए कहती है। इस पर जेड बिना किसी हिचकिचाट के हार्डमैन के दोनों हाथों को काटता है और फिर चैनसा से हार्डमैन का सीना फाड़ देता है। अब तो हार्डमैन की यही मौत हो जाती है। वही लिली ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी जेड की पूरी फैमिली लिली के पीछे पड़ जाती है और जेड भी अपनी चैनसा लेकर लिली के पीछे जाता है और तभी लिली एक ट्रैप में फंस कर गिर जाती है और फिर वही वर्णा और जेड आ जाते हैं। वर्णा जेड से लिली को मारने के लिए कहती है। वही लिली जेड से कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन जेड उसकी एक नहीं सुनता और एक ही बार में लिली का सर धड़ से अलग कर देता है। अब लिली की भी वही मौत हो जाती है। इसके बाद पूरी फैमिली मिलकर मर्डर के सारे सबूतों को मिटा देती है और फिर हम जेड को देखते हैं जो लिली के चेहरे की खाल निकाल कर एक फेस मास्क बना लेता है और उसे अपने चेहरे पर लगा लेता है और लेदर फेस बन जाता है। चिर चिर पोपो खलास। आई होप आप लोगों को मेरे मूवी समझाने का तरीका पसंद आयो। अब चलिए चुपचाप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।